आज आपको एक ऐसे ड्रिंक से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जो विटामिन ए बी सी ई आयरन कैल्शियम मैग्नीशियम से भरपूर है और बहुत ही अच्छा स्किन के लिए तो वरदान है। आपकी स्किन पे कोई भी इन्फेक्शन है या काले घेरे हैं उनको मिनटों में ठीक कर सकता है। और डिहाइड्रेशन तो इस गर्मी में वो कमाल की हाइड्रेशन देता है, बिल्कुल डिहाइड्रेशन को नज़दीक भी नहीं आने देता। तो मैं आज बना रही हूँ ये बहुत ही अच्छा ड्रिंक, तो सबसे पहला ग्लास मैंने खुद पिया है। तो देखिए आप, बना रही हूँ मैं रोज़ पेटल का एक बहुत अच्छा सा होममेड ड्रिंक, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी है तो हम बाहर के जो भी बाज़ार के ड्रिंक पीते हैं उनके अंदर प्रिजर्वेटिव, कलर, एसेंस और एक्स्ट्रा एडिशनल बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो हमें वो अवॉइड करनी चाहिए। और होममेड ड्रिंक बनाना बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। इतने से पेटल से आप देखिएगा एक लीटर के करीब ड्रिंक बन जाएगा। ये 150-200 ग्राम के करीब पेटल्स हैं, रोज़ के पेटल्स हैं, देसी गुलाब है, इसका खुद का बहुत स्ट्रॉन्ग अरोमा है, तो हमें कोई और अरोमा डालने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। गुलाब को अच्छे से क्लीन करिए, छांट के साफ़ कर लीजिए और उसके बाद आप 3 से 4 बार इसे वॉश ज़रूर करिए, क्योंकि हम तक जो भी चीज़ पहुंचती है उससे पहले बहुत हाथ इसको लग चुके होते हैं, तो बहुत अच्छे से वॉश करना ज़रूरी है। वॉश करने के बाद आप देखेंगे इसके अंदर से कितनी अनइवन चीज़ें निकली है। तो ये देखिए, आपको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे 3 से 4 बार हम इसे वॉश करेंगे, और जब भी हम वॉश करेंगे तो हम इसके पानी को फेंकेंगे नहीं। आप देखिए इतना सारा पानी निकलता है एक बार में ही, तो धीरे धीरे करके आप इसको वॉश कर लीजिए। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, आपके स्किन पे अगर काले घेरे भी हैं और आप इस ड्रिंक को रेगुलरली पीना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे आपके जो स्किन के आँखों के आसपास काले घेरे हैं या झाइयाँ हैं वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू होती है। तो यहाँ पे पेटल्स मेरे 3 बार धुल चुके हैं अच्छे साफ पानी से। अब एक भगोने में मैं यहाँ पे रोज़ पेटल्स को ऐड करूँगी। और ये शरबत बनाना इतना आसान है कि आप खाना बनाते बनाते साथ में भी इसको बना सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर रोज़ पेटल को डाल दिया है और 200 ग्राम पेटल्स के अंदर मैं करीब करीब 1.5 लीटर पानी ऐड करूँगी। तो आप किसी भी मेजरिंग कप से ऐड कर सकते हैं, बॉटल से भी ऐड कर सकते हैं। मैं अपने यहाँ पे जो हम पानी पीने का सिंपल लोटा होता है उससे 3 लोटा यहाँ पे पानी ले रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका अंदाज़ा है कि ये 0.5 लीटर का है। तो जितना पानी आप लेते हैं उसकी हाफ आपको शुगर लेनी है। तो जैसे मैं यहाँ पे 1.5 लीटर पानी ले रही हूँ तो उसका हाफ यानी कि 750 ग्राम के करीब मैं यहाँ पे शुगर भी लूँगी। तो पहले हम इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं। ये देखिए, तो ये हो गए हमारे पूरे 3 लोटा पानी यानी कि 1.5 लीटर पानी। अब यहाँ पे 1/4 किलो शक्कर यानी कि 750 ग्राम हमने शुगर ऐड किया है। अगर आप इसमें जैगरी भी ऐड करना चाहें तो थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आएगा, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हमें इसे हिलाना है रोज़ पेटल्स को, जब तक इन्होंने कलर नहीं छोड़ना है हमें इस कंटिन्यूस हिलाते रहना है, और उसके बाद आप छोड़ सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट बाद ही, जैसे ही पानी थोड़ा सा बॉयल होना शुरू होगा, थोड़ा तेज़ गर्म शुरू होगा और ये पेटल्स अपना पूरा कलर, अपना अरोमा और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है बनाते बनाते ही कि बस मन कर रहा है अभी पी लें। तो बनने के बाद तो आप देखिएगा कितना टेस्टी लगता है। ये देखिए आप, मिनटों में इसने अपना कलर छोड़ दिया है, एक अच्छा अरोमा छोड़ दिया है। एक्स्ट्रा एडिशनल कलर, अरोमा वगैरह कुछ भी हमें डालने की ज़रूरत नहीं। इस स्टेज पर मैं यहाँ पे सारे पेटल्स को निकाल दूंगी, क्योंकि इसके बाद इस पेटल्स को अगर हमने पानी के साथ रहने दिया तो जो भी हमारा ड्रिंक है वो थोड़ा कड़वा होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे सारे पेटल्स को मैं एक स्ट्रेनर की हेल्प से निकाल दूंगी। उसके बाद जो हमारा 1.5 लीटर पानी है उसको लगभग 1 लीटर होने तक हमें बॉईल करना है। तो ये 20 मिनट लगते हैं, हाई फ्लेम पे भी हम कर सकते हैं। 20 मिनट तक हमने इसको बॉईल किया और फिर हम इस बॉइलिंग वाटर को, जैसे ही थोड़ा सा ये बॉईल होना 1 लीटर के करीब हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। मैंने गैस बंद कर दिया था और रूम टेम्परेचर पर आने पर ही इसके अंदर मैं 2 लेमन ऐड कर रही हूँ। लेमन ऐड करने के 2 फायदे, एक तो ये शक्कर जो भी हमने इसके अंदर शुगर डाली है उसको क्रिस्टलाइज नहीं होने देगा, दूसरा हमारे शरबत को, हमारे ड्रिंक को प्रिजर्व करेगा। तो उसके बाद हम इसको महीने भी चला सकते हैं, पर मेरा दावा है कि आप ये ड्रिंक जब बनाएंगे तो आप इसको 1 महीना नहीं स्टोर कर पाएंगे, आप जल्दी से जल्दी इसको पीने के बाद ख़त्म करेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छे से कांच के जार में मैंने अपने इस शरबत को भर लिया है, और जब भी मुझे दिन में 2 से 3 बार लगता है डिहाइड्रेशन, मैं इसको ज़रूर इंजॉय करती हूँ। आप भी लाइक ज़रूर